आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं मेघना सक्सेना कैंटरबरी परिवार की ओर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी व अष्टमी रोहिणी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। इनकी माता देवकी व पिता वासुदेव थे, परंतु इनका लालन पालन गोकुल में हुआ, जहाँ इनकी माता यशोदा व पिता नंद बाबा कहलाए। श्री कृष्ण का जन्म लोगों के कष्टों व दुखों को दूर करने के लिए हुआ। इन्होंने कंस जैसे दुराचारी का वध किया। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामहे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अपने पैर पसारने लगता है, तब तब मैं लोगों का कल्याण करने, सज्जनों का कल्याण करने के लिए व धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी लोक पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, परंतु फिर भी उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना चुना। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों व अर्जुन का मार्गदर्शन किया व उन्हें युद्ध में जीत दिलाई। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें आज विश्व भर में पूजा जाता है। श्री कृष्ण के गुणों में उनकी सरलता, उनकी सहजता व धर्म के प्रति उपदेशों ने हमारे भारतवर्ष में एक नए धर्म की स्थापना की। आज के दिन विद्यालयों में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। झांकियां सजाई जाती हैं व दही हांडी जैसे कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मुरली मनोहर जग की धरोहर, वो नंदलाल गोपाला है, मुरली की धुन पे सबके कष्टों को हरने वाला है। धन्यवाद।